नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर खरगोन से है, जहां नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत रविवार को महेश्वर में पुरानी पेंशन नीति को लागू करने को लेकर प्रभावी प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भर के कर्मचारियों के जमावड़े ने महाकुंभ का रूप ले दिया। यहाँ वक्ताओं ने कहा कि नई पेंशन नीति पूर्णतः शेयर मार्केट पर आधारित है। वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में राज्य सरकार और कर्मचारी द्वारा 10-10% अंशदान जमा करवाया जा रहा है, जिसका सीधे ही कॉरपोरेट द्वारा इसका उपयोग शेयर मार्केट में किया जा रहा है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन शेयर मार्केट पर आधारित होने के कारण कोई निश्चित गारंटी नहीं है, इसलिए कर्मचारी वर्ग द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इस दौरान जिले भर सहित अन्य स्थानों से आए हजारों की तादाद में शिक्षकों ने शिरकत की है। महेश्वर में आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है और शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में मध्य प्रदेश में ये अपने आप में विराट और अनोखा कार्यक्रम है और तमाम सारे संगठनों के लोगों ने सहयोग किया, समर्थन किया। देखिए, हमारा जो विषय है पुरानी पेंशन, हम मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं लागू करें और शिक्षक कर्मचारी की सरकार का नाक कान होता है, आप उसी के सारा काम कर देगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि आप भी सौगात दीजिए और अगर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जो जनसैलाब उभरा हुआ है, ये पूरे मध्य प्रदेश के संभाग वाइज कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा, इस बार को इसका घेरा जाएगा कि मुख्यमंत्री की जगह भी अपने ऑफिस और कार्यालय जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो अच्छा है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लाखों लोगों की भावनाएं हैं तो आप लागू करिए। मैं ये अगर नहीं माने तो क्या नहीं मानेंगे तो भोपाल की एक बड़ी चढ़ाई होगी और उसके बाद फिर क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, एमपी में भी एमपी के सीटें हैं और हम दिल्ली की चढ़ाई करेंगे और निश्चित रूप से हम पुरानी पेंशन बहाल करा के कर लेंगे। हम ओपीएस का जो ये संघर्ष है, तमाम सारे संगठनों के सहयोग से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगा, इसमें कोई भी टेंशन नहीं।